मित्रों नमस्कार। और मित्रों आज हम थोड़ी सी पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। मित्रों पाकिस्तान के अंदर साल का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान उस आतंकवादी हमले को छुपाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। इस पूरे मामले की जड़ तक जाएंगे मित्रों, ये मामला क्या है। तो मित्रों दरअसल पाकिस्तान में जो डेरा इस्माइल खान एक जगह है, वहां पर जो है इस समय तहरीक तालिबान, तहरीक जिहाद पाकिस्तान जो आतंकवादी संगठन है, उन संगठनों ने यहां पे एकदम इस समय उपद्रव मचा रखा है। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पूरी तरह से फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान को तोड़ करके अलग कर देंगे, यानी कि वो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से। तो दुश्मन को तोड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब ये तहरीक जिहाद जो संगठन है, इन्होंने इनके जो म्यूटेंट्स हैं वो डेरा इस्माइल खान में मौजूद हैं, इसीलिए वहां पे जो जगह है दराबान, जो वहां का इलाका है दराबान है, वहां सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है इसमें लड़ाकों से। तो वहां पे जो है मिलिट्री जो पाकिस्तान की है वो लगभग एक महीने से वहां पे रुकी हुई है और वहां पे लगातार ऑपरेशंस कर रही थी। लेकिन जिस रात में पाकिस्तान की मिलिट्री ने अभी पिछले सोमवार और मंगलवार की रात में वहां पे लगभग 17 लोगों को मार दिया, तो इसका बदला लेते हुए एक बिल्कुल ट्रक जो कि 100 किलो के बारूद से जो है भरा हुआ था और उसके आगे एक फिदायीन हमलावर जो कि गाड़ी को चला रहा था, ये दोनों जो सुसाइडल ट्रक था पूरा, ये पूरा सुसाइडल ट्रक जो था ये दराबान थाना वहां पे है जहां पर कि पाकिस्तान की जो सेना है उसने अपना कैंप किया हुआ था, जहां पे उसने अपना एक ऑपरेशनल बेस बनाया हुआ था और उसमें कई कमरे भी थे। तो वहां पे जा करके उसने वो पूरा ट्रक जो भरा हुआ था बारूद से, वो पूरा ट्रक ले जा करके उन्होंने उस ऑपरेशनल बेस से भिड़ा दिया। और इसके बाद वहां पे 5 के करीब और भी आतंकवादी थे कि अगर जो वहां पे इसके बाद, पहले तो जैसे ही उन्होंने ये ट्रक भिड़ाया वहां पे बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके की वजह से जो 3 कमरे थे वो पूरी तरह से ढह गए और उस 3 कमरे में सैकड़ों की संख्या में जो पाकिस्तान के सैनिक थे वो दब गए मलबे के अंदर और कई बड़ी मात्रा संख्या में वहां लोगों की, पाकिस्तानियों की मौत हुई। लेकिन इसके बाद भी जब वो लोग वहां से मलबे से बचने के लिए जो सैनिक भाग रहे थे आधी रात में, उनको मारने के लिए भी जो तहरीके जिहाद के जो लड़ाके थे उन्होंने वहां पे गन फायर की, उनको भी मारा, यानी कि जो दोहरा अटैक हुआ पूरी तरह से इनको निस्तनाबूद कर दिया गया और इनके लगभग 100 से ज्यादा लोग मारे गए। ये तहरीके जिहाद का कहना है जो आतंकवादी संगठन है। लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पूरे मामले को छुपा रही है और वो कह रही है कि इसमें सिर्फ 25 लोग मारे गए हैं। यानी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने पहले किस तरह छुपाया था मियांवाली में एयरबेस में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, लेकिन ये देखिए कि किस तरह से चीजों को अभी उन्होंने छुपाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी मित्रों एक और बात यह है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता और मुश्किल की बात है, वो ये है कि एक पाकी अफगानिस्तान ने, खासकर तालिबान ने, जो तहरीके जिहाद पाकिस्तान जो संगठन है उसने एक वीडियो रिलीज किया है और उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जो थर्मल ग्लासेस होते हैं, यानी कि जो आतंकवादी हैं लड़ाके जो हैं तहरीके जिहाद के, वो थर्मल ग्लास लगाए हुए और उन्हीं थर्मल ग्लास लगाए हुए वो जाकर के, मतलब कि अंधेरे में नाइट विजन ग्लास जो होते हैं जो अमेरिकन कंपनी बनाती है, वो उससे उन्होंने जाके वहां पे पाकिस्तानियों को मार रहे हैं वो रात में। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो से समझ ये आता है मित्रों कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जब अपने भारी हथियारों को छोड़ करके चला गया था तो उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल जो है अब अफगानिस्तान के लड़ाके कर रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए तो सीधे सीधे पाकिस्तान के खिलाफ एक युद्ध ही है पूरी तरह से। तो पाकिस्तान एक बड़े युद्ध में अफगानिस्तान के साथ गिर गया है और जो पाकिस्तान की सरकार जो है इसने इस पूरे घटनाक्रम के बाद बहुत गुस्सा है उनके अंदर और उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार से, तालिबानियों से ये कहा कि भाई आप लोगों की जमीन का इस्तेमाल करके जो आतंकवादी है वो आ रहे हैं और यहां पर आकर पाकिस्तान में लोगों को मार रहे हैं, हमारी सेना पर हमले कर रहे हैं। तो इस पर अफगानिस्तान के जो प्रवक्ता है तालिबान सरकार के, उन्होंने जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर आपकी जमीन पर हमला हो रहा है तो आपकी सेना क्या कर रही थी, आपकी ISI क्या कर रही थी। आप कह रहे हैं कि हम जांच करें अपने यहां पे, तो हम जांच कर लेंगे, ओके कोई बात नहीं, लेकिन आइए जिम्मेदारी, अगर आपके यहां आतंकवादी हमला हो रहा है तो जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी आप सोचिए मित्रों की वही काम जो पाकिस्तान कभी भारत के साथ करता था कि पाकिस्तान आकर के जो है पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल करके आके भारत पे हमले होते थे आतंकवादी और भारत कहता था कि, भारत ये कहता था कि भाई आपने आतंकवादी हमला किया तो पाकिस्तान बोलता था कि सबूत दिखाओ और जब हम सबूत दिखाते थे तो कहता था कि सबूत की जांच तो बाद में होगी, देखा जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो स्थिति यह है
कि पाकिस्तान को आज वही सब झेलना पड़ रहा है आतंकवाद के रूप में जो कभी भारत को झेलना पड़ा था। तो जिस गड्ढे में पाकिस्तान ने जो है भारत के लिए खुदा था गड्ढा, उसी गड्ढे में आज पाकिस्तान खुद गिर गया है। और सबसे बड़ी बात यह मित्रों कि अब वो लगातार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है। जैसे पाकिस्तान की सेना यहां तो झूठ बोल ही रही है कि उससे कम लोग मरे। बाकी इसके अलावा मित्रों याद करें 3 नवंबर को जब पाकिस्तान में पंजाब के मियांवाली एयरबेस पे जो कि ट्रेनिंग एयरबेस है वहां पे जब हमला हुआ था तो वहां पे 9 फिदायिनों ने हमला किया था जो तालिबान, वो भी तरीके जिहाद के लोग थे, उन्होंने वहां पे 9 के करीब संख्या ने हमला किया था। और उस हमले में पाकिस्तान ने यह दावा किया कि सिर्फ उनके 3 लड़ाकू विमानों को हल्का नुकसान पहुंचा है और कोई उनका सैनिक मारा नहीं गया है। लेकिन इसके बाद मित्रों मैं आपको बताऊं कि एक लंदन की एक संस्था है जो कि वॉर स्टडी करती है, उसकी एक सदस्य है आयशा सिद्दीका जो कि पाकिस्तानी मूल की रहने वाली हैं और उनका पाकिस्तान में काफी ज्यादा एक तरह से उनकी बातचीत भी करती हैं वो, तो उन्होंने इस पे बाकायदा एक आर्टिकल छापा और ये कहा कि इस जो 3 तारीख को जो पूरा मियांवाली पे हमला 3 नवंबर को हुआ था उस हमले में कम से कम 14 लड़ाकू विमान जो थे वो ध्वस्त हो गए थे पाकिस्तान के और 35 जो उनके सैनिक थे वायुसेना के वो मारे गए थे। यानी कि आप सोचिए कितना तगड़ा नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने जो है उस पूरे नुकसान को बहुत ही कम करके बताया ताकि उसकी जो जनता है उसके अंदर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आक्रोश ना फैले, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है, सरकार वहां पर सेना ही चलाती है। अगर सेना की भी नाकामी अगर उजागर हो गई तो पूरे देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी। इसी वजह से अराजकता तो फैली हुई है लेकिन और ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए किसी तरह से भी वो जो है इस पूरे मामले को छोटा करके दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह मित्रों कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। दरअसल मित्रों ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है अफगान शरणार्थी रह रहे हैं लगभग 10-12 लाख के करीब, और पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि इन सभी अफगान शरणार्थियों को यहां से बाहर निकाला जाए। लेकिन जो अफगान शरणार्थी हैं वो बाहर निकलने से इनकार कर रहे हैं। अभी भी लगभग 6-7 लाख कह रहे हैं वहां पे शरणार्थी भी मौजूद हैं और वो जो शरणार्थी हैं उन्होंने जाने से इनकार किया है। इसी वजह से वहां पे टसल चल रहा है पहली बात तो। दूसरी बात ये कि तालिबान का ये कहना है कि तुम्हारा जो मुल्क है जब वो आइडिया ऑफ इस्लाम पे बना हुआ है, यानी इस्लाम की विचारधारा बना हुआ है, तो फिर आखिर तुम इनको निकाल क्यों रहे हो जो मुसलमान है। तो इस तरह से पाकिस्तान आइडियोलॉजिकली भी बहुत गिर गया है और अफगान शरणार्थियों की समस्या से भी परेशान, क्योंकि अफगान शरणार्थियों की समस्या को पूरा करना उनकी खुद की हालत खराब है अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो, वो अर्थव्यवस्था में आखिर क्या कर पाएंगे शरणार्थियों के लिए, तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा परेशान है। और पाकिस्तान यही वजह है कि वो इस तरह के वहाँ विवाद हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि तालिबान का ये कहना है कि जब तुम हमारे अफगान शरणार्थियों को यहाँ से भगाना चाहते हो तो हमको हमारी वो जमीन दो पेशावर की, हमको वो फाटा की वो जमीन दो जो हमारी जमीन ऐतिहासिक रूप से थी अहमद शाह अब्दाली के जमाने में जो अफगानिस्तान का ही बादशाह था। तो ये सब टसल चल रहा है और ये टसल पूरी तरह से साफ लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरकार के बीच में एक युद्ध की स्थिति है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनाव बना हुआ है, किसी भी वक्त वहां पे जो है एक बड़ा एक मोर्चा वहां पे ठहर सकता है। सबसे बड़ी खासियत क्या है इन लोगों की, इनको जो इनको शरण देता है ये पहले उसी की पीठ में छुरा भोंकते हैं। तो जब वो पाकिस्तान की आर्मी आती है तो वहां पे फिलिस्तीनियों का बहुत तबीयत से सफाया करती है, 2 हफ्ते के अंदर 25,000 फिलिस्तीनी मार देती है। और इसके बाद इसराइल के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि भाई जितने हमने नहीं मारे उससे ज्यादा उन्होंने मार दिए, कि लगभग 35,000 लोग गाजा के अंदर एक अल शफा अस्पताल है उसके अंदर रुके हुए। आप सोचिए हालत क्या है कि एक अस्पताल के अंदर 35,000 लोग रुके हुए। दोस्तों इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के करीब इसराइल के एक आर्मी कैंप का दौरा किया। इस आर्मी कैंप के दौरे के दौरान उन्होंने इसराइल के सैनिकों, इसराइल के कमांडर्स और उनके सभी जो स्पेशल फोर्स है उनसे मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने सारी तैयारियां जो है उसका जायजा लिया है। उन्होंने अपने कमांडर से पूछा है कि आपको सारी जो तैयारियां आपकी होनी चाहिए गाजा के अंदर घुसने की वो सारी पूरी हो चुकी हैं या नहीं पूरी हो चुकी हैं। इस पर इसराइल के कमांडर्स ने उनको ये आश्वासन दिया है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा जल थल नभ यानी कि तीनों तरफ से अटैक के लिए, यानी सब पानी से, आसमान से और जमीन पर हर तरफ हमला करने के लिए उनकी सेना जो है 1 हफ्ते में पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, ऐसा आश्वासन जो है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिया गया है। अब दोस्तों इसके जवाब में जो हमास है, हमास ने एक वीडियो जारी किया है और हमास के उस वीडियो में दिखाया गया है कि अगर गाजा के अंदर जो टैंक हैं इसराइल फोर्स के अगर वो आते हैं तो उनको किस तरह से जो आतंकवादी हमास के वो फोड़ देंगे, उसकी जो पूरी तस्वीर है उस वीडियो में दिखाई गई है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जो हमास के आतंकवादी हैं उनके पास एंटी टैंक मिसाइल्स हैं
और वो उन एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, उन मिसाइल्स से वो जो है टैंक के ऊपर वार कर रहे हैं और टैंक को फोड़ दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो 7 अक्टूबर को जो अटैक हमास की जो 7वीं ब्रिगेड है, अल कसम की 7वीं ब्रिगेड ने जो अटैक किया था, उस अटैक में उन्होंने जो है इजराइल के जो एक टैंक था, उस इजराइल के एक टैंक के ऊपर बैठे हुए एक जो जवान था उसको निकाल के बाहर बुरी तरीके से मार दिया था और उस टैंक को भी उन्होंने जला दिया था। यानी अगर देखा जाए तो हमास ये कह रहा है कि उसके पास एंटी टैंक मिसाइलें हैं और अगर जो गाजा पट्टी के अंदर ये घुसते हैं तो इनका पूरी तरह से निस्तार नाबूद करने की दावे जो वो कर रहा है। इसके अलावा पहले ही हमास के एक बड़े कमांडर ने जो है आज से लगभग 3-4 दिन पहले ही ये कहा था, उसने ईरान को थैंक यू बोला था कि थैंक यू ईरान कि उसने हमको जो है एंटी टैंक जो मिसाइल से वो मुहैया पहले ही करा दी है। तो दोस्तों ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक मिस्ड कॉल भी कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसी डिस्क्रिप्शन में मेरा एक जो है यूट्यूब के अंदर डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक है, ट्विटर का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो वहां पर जाकर दोस्तों आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा। दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान ने जो है वो इसराइल से निजी तौर पर एक संदेश भेजा है। यानी इसराइल और ईरान की बातचीत आम तौर पर बिल्कुल ना के बराबर होती है, कोई कूटनीतिक रिश्ते नहीं है, कोई राजनयिक रिश्ते कभी रहे नहीं है, लेकिन इसके बाद भी निजी तौर पर ईरान की सरकार ने इसराइल को एक संदेश भेज दिया है। उस संदेश में ईरान ने यह कहा है कि अगर आप गाजा पट्टी के ऊपर बमबारी नहीं रोकते हैं, अगर आप हमास के ऊपर बमबारी नहीं रोकते हैं, तो ईरान जो है वो सीधे तौर पर इस युद्ध में कूद पड़ेगा। ऐसा ईरान की तरफ से इसराइल को स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो जो ईरान है उसको अभी भी ये लगता है कि अगर इसराइल के खिलाफ सारे मुस्लिम देश इकट्ठा होकर के हमला कर दें तो इसराइल को हराया जा सकता है, और इसीलिए जो ईरान है वो सभी लोगों से लगातार बातचीत कर रहा है। दोस्तों ईरान के जो सरकार है उसने सऊदी अरब की मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की है और दोनों के बीच में सहमति बनी है कि हमास के ऊपर जो धमाके हो रहे हैं या वहां गाजा पट्टी में धमाके जो हो रहे हैं, जो एयर बॉम्बिंग हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अमीर हसन अब्दुल्लाह, वो इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले वो सीरिया जा रहे थे और सीरिया में उन्होंने जाकर के बशर अल असद से मुलाकात की और उन्होंने इस बात के लिए पूरी तैयारी की कि भाई इसराइल को घेरने का वक्त आ गया है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने लेबनान के बेरूत में जाकर के वहां पर जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं नसरुल्लाह, उनसे मुलाकात की और कहा कि आपको जो भी तैयारी है आप तैयारी पूरी कीजिए अपनी, हम आपके लिए पूरी तरह तैयार हैं युद्ध लड़ने के लिए। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि ईरान के विदेश मंत्री ने जो हमास का सर्वोच्च नेता है इस्माइल हनैया, जो कि कतर में रहता है और तुर्की में रहता है और जिसके पास बड़े बड़े वहां विलास हैं, बड़े लग्जरी लाइफ जीता है, तो वो जो इस्माइल हनैया है वो कतर के अंदर दोहा के अंदर मौजूद है और वहां दोहा के अंदर जा करके जो है ये जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने जाकर के इस्माइल हनैया से भी पूरी मुलाकात की है। यानी देखा जाए तो अगर जो ईरान है वो लगभग 8-10 देशों को, इस्लामिक देशों को एकजुट कर रहा है और हो सकता है कि 8-10 के करीब इस्लामिक देश मिल करके इसराइल के ऊपर एक बड़ा हमला कर सकते हैं। अभी तक की जो स्थिति है दोस्तों ये बनी हुई है कि जो इस्माइल हनैया है उसने बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया है, उसने एक वीडियो रिलीज किया है और उसने उस वीडियो में साफ साफ कह दिया है कि जो भी फिलिस्तीन के लोग गाजा के अंदर रह रहे हैं उनको गाजा को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर ये लोग यहां से बाहर निकलेंगे तो उनको जो है अपनी जमीन वहां पर गंवानी पड़ सकती है। इसके अलावा उसका यह भी कहना है कि जो अल्लाह है उसने उनको जिहाद का रास्ता दिखाया है, भागना जो है वो ठीक नहीं है और जो यहूदी है जो काफिर है उसके खिलाफ लड़ करके मर जाना ज्यादा श्रेयस्कर है। तो इस्माइल हनैया ने उकसाते हुए कहा है कि जो सारी यहां पे लोग हैं, यहां पे जो फिलिस्तीन के लोग हैं, वो यहीं पे रहें और युद्ध करें और उनका युद्ध में पूरा सहयोग दिया जाएगा, ऐसा वो जो है विश्वास दिला रहा है। दूसरी तरफ चूंकि हमास का सर्वोच्च नेता इस्माइल हनैया है और इस्माइल हनैया स्वयं कह रहा है कि भाई किसी को जाने की जरूरत नहीं है फिलिस्तीन के अंदर से, जैसे कि आप जानते हैं कि 10 लाख जो उत्तर गाजा में लोग रह रहे थे उनको इसराइल ने बोला है कि आप यहां से निकल जाओ, तो वो जब जाने को तैयार वहां पे नहीं हो रहे हैं और हमास भी इसी लाइन पे चल रहा है। तो हमास ने अब क्या किया है दोस्तों कि जो काफिले निकल रहे थे, यानी जो काफिले फिलिस्तीन के लोगों के निकल रहे थे, उनको जो है उन्होंने अपने ट्रक्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया है और सबको रोक दिया है। यानी अगर देखा जाए तो बिल्कुल साफ साफ दोस्तों है कि जो लगभग 10 लाख लोग हैं वो बुरी तरह से फंस चुके हैं उत्तरी गाजा के अंदर और कभी भी इसराइल जो है बहुत बड़ी एयर बॉम्बिंग कर सकता है, एयर जो कारपेट बॉम्बिंग जिसे कहते हैं कि चटाई की तरह से बम बिछा देना, वो कभी भी शुरू कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में लाखों की जो जान है वो संकट में नजर आ रही है और
ऐसा क्यों कर रहा है इस्माइल हनैया, हमास ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हमास और इस्माइल हनैया ये चाहते हैं कि अगर ये लोग यहाँ पे रहेंगे, अगर निर्दोष जो लोग हैं, उसमें सब निर्दोष तो नहीं है, इन्होंने वोट दिया है हमास को, फिर भी लेकिन जो वहां बच्चे हैं, अगर एक बड़ी संख्या में लोग वहां पे मारे जाते हैं तो उससे जो इस्लामिक देश है उनके अंदर एक मतलब की एक उबाल आएगा, उनका एक गुस्सा आएगा, उन पर दबाव पड़ेगा कि आप हमला कीजिए। तो इस तरह से जो सारे देश इस्लामिक मुल्क हैं वो मिलकर के जो है इसराइल पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो जो इसराइल एक धर्म संकट से गुजर रहा है वो ये है कि हम इन पर हमला करें कि ना करें, क्योंकि अभी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो वहां पे लोग हैं वो भागना तो चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन फिर भी भागे कैसे क्योंकि वहां पे सारे रोड्स ब्लॉक कर दिए गए। तो जो लोग फिलिस्तीन के हैं, तो हमें जानकारी जो मिल रही है ये है दोस्तों कि लगभग 35,000 लोग गाजा के अंदर एक अल शफा अस्पताल है उसके अंदर रुके हुए। आप सोचिए हालत क्या है कि एक अस्पताल के अंदर 35,000 लोग रुके हुए, और उनको इस बात की शायद उम्मीद है कि अस्पताल है, चूंकि ये बहुत बड़ा अस्पताल है, तो यहां पर जो इसराइल है वो बमबारी नहीं करेगा, और अगर यहां पे वो बमबारी अगर करता है तो 35,000 लोग मारे जाएंगे। तो अब देखिए हमास क्या करेगा कि जहां पर 35,000 लोग रह रहे हैं वहीं पर जाकर वो अपना हेडक्वार्टर बनाएगा, और जो 35,000 लोग जो है फिलिस्तीन के वो मना नहीं करेंगे, तुम यहां मत आओ, वहां उसको हेडक्वार्टर बनाने देंगे। यानी कि इस तरह से पूरी मिलजुल करके फिलिस्तीन और हमास ये सब मिलकर के जो है एक साजिश रच रहे हैं, एक जिहाद कर रहे हैं, और इस जिहाद का जो नतीजा है वो भुगत रहे हैं जो ये बच्चे हैं फिलिस्तीन के। दोस्तों बच्चों को लेकर के मैं कभी भी कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहूंगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी उम्र 2-3 साल होती है, और उन्होंने अभी जन्म लिया है, और अगर वो उनकी शायद उनका दुर्भाग्य ये है कि वो एक जिहादी घर में पैदा हुए, अगर वो किसी अच्छे घर में पैदा हुए होते तो शायद उनके साथ आज ये नहीं हो रहा होता। तो अब तक का जो आंकड़ा दोस्तों मैं बता दूंगा वो क्या है, अब तक 2,200 लोग इस युद्ध में जो गाजा में चल रहा है उसमें मारे जा चुके हैं, 2,200 फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं, उनमें से 754 जो है वो बच्चे हैं, और 458 जो है उसमें महिलाएं हैं। यानी कि जो हमले हो रहे हैं उसमें 66% जो है वो जो मरने वाले हैं वो बच्चे हैं और महिलाएं हैं। उसकी एक बड़ी वजह दोस्तों ये भी है कि जो पूरी गाजा की आबादी है इसमें 50% जो लोग हैं उनकी उम्र जो है वो 19 साल से कम है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी यहां पे होने जा रही है, और बच्चों की जो लाशें हैं वो लगातार आपको दिखेंगी, यहां पर भी आपको तमाम तरह के वीडियोस फोटोज आपको दिखते रहेंगे, लगातार दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार तो हमास ही है, क्योंकि ये युद्ध जो है हमास ने शुरू किया है, और इसराइल की पॉलिसी यही है कि अगर हमास ने युद्ध शुरू किया है तो अब जो लाश गिरेगी गाजा के अंदर चाहे इसराइल के अंदर, वो उस उन लाशों की जो पूरी जिम्मेदारी है वो हमास की है, ऐसा इसराइल पहले कह चुका है। तो इसराइल को अब अपना जो दिल है वो बहुत ही कठोर करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको यहां पे जो भी नागरिक ठिकाने हैं या जो भी वहां पे ऐसी जगह है वहां पे उसको हमला करना उसकी मजबूरी है, और मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि जिन सुरंगों में वो फंसे हुए हैं उन सुरंगों के अंदर बम फोड़ करके उनको खत्म करना आसान नहीं होगा, और इसीलिए जो है वो चाहता था कि पहले नागरिक निकल जाए, लेकिन नागरिक अगर निकलने को तैयार नहीं है तो इसराइल को आखिरकार वहां पे एयर बॉम्बिंग तो करनी पड़ेगी। यानी कि अगर देखा जाए तो मानव ढाल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो है वो अरब देश भी कर रहे हैं, ईरान भी कर रहा है, इस्माइल हनैया भी कर रहा है, ये सब लोग मिलकर के जो है एक मासूमों की जानों पर, इंसानों की जानों पर जो है राजनीति कर रहे हैं, और ये लोग जो है पूरी तरह से कितने बेरहम कितने क्रूर हैं इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चीन और रूस ये दोनों देश जो है खुल करके अरब देशों के समर्थन में आ चुके हैं, मुस्लिम देशों के समर्थन में आ चुके हैं, फिलिस्तीन के हमास के समर्थन में आ चुके हैं। और पुतिन ने पहले यह कहा था कि जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी है अमेरिका की वो फेल हो चुकी है पूरी तरह से, और अब उन्होंने ये कहा है रूस के राष्ट्रपति ने कि भाई इसराइल से कहा है कि आप जो है यहां पे बम्बार्डिंग बंद कर दीजिए, अब ये ठीक नहीं है। और बिल्कुल रूस के साथ सुर में सुर मिलाते हुए चीन ने भी बिल्कुल स्ट्रेटजिकली जो है यही बात कही है इसराइल से कि भाई अब जो आपका आत्मरक्षा का अधिकार है वो खत्म हो रहा है, आप अपने आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, आप जो कर रहे हैं गाजा के अंदर जो एयर बॉम्बिंग्स कर रहे हैं, जो लोग वहां मर रहे हैं उसकी वजह से अब आप जो है आत्मरक्षा के दायरे से बाहर निकल चुके हैं, आप जो है जो हमास ने किया उसकी सामूहिक सजा गाजा के लोगों को मत दीजिए। ये जो वांग ली है जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं उनका एक बयान आया है। दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो जो अपडेट्स ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू इन लोगों ने 5वीं बार बातचीत की है, यानी जब से ये हमला हुआ आप सोचिए कि 7-8 दिन हो गए,
और ये आठवें दिन जो है, पांचवी बार जो है नेतन्याहू और बाइडेन ने फोन पर बातचीत की है, और बाइडेन ने एक बार फिर से ये कहा है कि उनका जो जहाजी बेड़ा है, जो युद्धक बेड़ा है आइजनहार, वो जो है पहुंचने वाला है। एक बेड़ा वहां पहले ही पहुंच चुका है, दूसरा वहां पहुंचने वाला है। और इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही है कि आपको जो भी हथियार चाहिए, जो भी युद्ध चाहिए, आपके आयरन डोम में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे, कोई कसर नहीं रहने देंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों, जो पाकिस्तानी जो मुल्क है और जो ईरान के मुल्क है, वो अभी भी इस बात पे बहुत गर्व कर रहे हैं कि जो आयरन डोम है उसका जो इतना भौकाल बना हुआ था उसको जो है हमास ने तोड़ दिया है। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो मैं कल कुछ ईरान के अखबारों को पढ़ रहा था जो कि पर्शियन भाषा में थे, मैंने अनुवाद किया उसका, तो उसमें ये लिखा हुआ था, वहां पे ईरान की इस्लामिक काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि जो इसराइल की आर्मी है ये एक हास्यास्पद आर्मी है, इसमें कोई ताकत नहीं है, कोई दम नहीं है, और हमास ने जो है इसको बिल्कुल बिखेर कर रख दिया है, और इसके जो सारे दावे थे, जो ताकत थी वो झूठी थी, वो सिर्फ एक गॉसिप्स है और कुछ भी नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं वो इसराइल ईरान की तरफ से, ईरान की तरफ से कही जा रही है। यानी अगर आप देखिए दोस्तों, तो ये युद्ध पूरा चल रहा है, ये युद्ध अगर ऐसा है कि जिसमें कि अपने अपनी डींगे सब मार रहे हैं, लेकिन जो गाजा में लोग मर रहे हैं, और लोग मर रहे हैं वो कौन है, वो ये जिन्होंने वोट दिया था हमास को, तो जो लोग मर रहे हैं उनको अभी ये लोग बचा नहीं पा रहे, ईरान को और ये लोग सब। लेकिन जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, और उनके बगल में, ठीक बगल में जो जॉर्डन एक देश है और जिसकी आबादी जो है लगभग 1 करोड़ है, तो दोस्तों जॉर्डन के जो बादशाह हैं, अम्मान के जो बादशाह हैं, और उन्होंने जो भी जो है बहुत चिंता जताई है इस पूरे मसले पे, और उन्होंने ये कहा है कि अगर युद्ध शुरू हो जाता है, अगर वेस्ट बैंक की तरफ भी युद्ध शुरू होता है, क्योंकि हमास जो है अगर युद्ध करेगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गाजा में ही करेगा, जब हमास युद्ध करेगा तो वेस्ट बैंक में भी युद्ध कर सकता है, क्योंकि वहां भी हमास है। तो अगर हमास ने वेस्ट बैंक में युद्ध शुरू किया और इसके खिलाफ कार्रवाई में अगर इसराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर एक्शन ले लिया, क्योंकि अब तक इसराइल ने जो एक्शन लिए हैं उसमें वेस्ट बैंक के अंदर भी उसने 50 लोग लगभग मार दिए इसराइल ने, तो अगर वहां पर भी अगर युद्ध शुरू हो जाता है तो जो फिलिस्तीन के लोग वेस्ट बैंक में रह रहे हैं ये सारे लोग फिर भाग करके जो है जॉर्डन में जाएंगे, और जब जॉर्डन में जाएंगे तो जो जॉर्डन का बादशाह है उसने ये कहा है कि भाई हमारे यहां पे जो 1 करोड़ की आबादी रह रही है उसमें 10 लाख तो ऑलरेडी फिलिस्तीन के लोग रह रहे हैं, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के बच्चे रह रहे हैं। और क्यों रह रहे हैं उन्होंने बताया, उन्होंने ये बताया कि 1948 में जब यहां पे बड़ा युद्ध हुआ था उस वक्त जो फिलिस्तीन के शरणार्थी भाग करके जॉर्डन आए थे वो उसके बाद कभी भी वहां से नहीं गए, तो इसीलिए जो उनकी आबादी का संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। आप सोचिए कि अगर जो है 1 करोड़ लोग हैं उनमें से 10 लाख लोग जो है वो फिलिस्तीनी वहां आ जाते हैं, और अगर युद्ध शुरू होता है और फिर 1.5 लाख लोग और आ जाते हैं और फिर संख्या बढ़ाते हैं अपनी, तो धीरे धीरे इनका जो अनुपात है वो बढ़ता चला जाएगा। और दोस्तों यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी आपको समझनी पड़ेगी कि जॉर्डन के बादशाह की जो है ना फिलिस्तीन से कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं है, उसकी वजह यह है कि फिलिस्तीनी इतने धोखेबाज होते हैं कि ये जो शरणार्थी थे, देखो सबसे बड़ी खासियत क्या है इन लोगों की, इनको जो इनको शरण देता है ये पहले उसी की पीठ में छुरा भोंकते हैं। तो जॉर्डन के जो बादशाह थे उन्होंने फिलिस्तीनियों को शरण पहले भी दी थी एक बार युद्ध के दौरान, 6 डे वॉर के दौरान, लेकिन जब उन्होंने उनको वहां पे शरण दी तो फिलिस्तीनी जो थे वो जॉर्डन के तख्त पर, यानी जॉर्डन के बादशाह को हटा करके उस पर कब्जा करने के लिए उन्होंने पूरी लड़ाई छेड़ दी वहां पे, और इसीलिए फिर उसके ऊपर जॉर्डन के बादशाह को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन जो कुछ अरब मुल्क थे वो भी साथ में शामिल थे, लेकिन जो अरब मुल्कों के कुछ मुसलमान थे जो आर्मी, उन्होंने ये कहा कि हम ये फिलिस्तीनी मुसलमान है तो हम मुसलमानों के मुसलमान को नहीं मार सकते, और वो इस तरह की बातें जब उन्होंने कही तो उनको वो मतलब कि उनको टॉर्चर नहीं कर पा रहे थे, जबकि वो चाहते थे कि जॉर्डन के बादशाह इनको टॉर्चर किया जाए। तो फिर इसके बाद जो है जॉर्डन के बादशाह ने पाकिस्तान बात की और पाकिस्तान से आर्मी मंगवाई, और जो पाकिस्तान की आर्मी थी इसलिए क्योंकि उनको लगा कि ये ऐसी आर्मी पाकिस्तान की है जो कि मुसलमानों को ही मारती है, और आप देखिए तो 1971 में कितने मुसलमान मारे बांग्लादेश के अंदर, कितने मारे बलूचिस्तान के अंदर। तो जब वो पाकिस्तान की आर्मी आती है तो वहां पे फिलिस्तीनियों का बहुत तबीयत से सफाया करती है, 2 हफ्ते के अंदर 25,000 फिलिस्तीनी मार देती है, और इसके बाद इसराइल के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि भाई जितने हमने नहीं मारे उससे ज्यादा उन्होंने मार दिए, हमें पाकिस्तान ने मार दिया, तो पाकिस्तान को थैंक यू बोला इसराइल ने। यानी कि अगर देखा जाए तो जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। जो इजिप्ट है, इजिप्ट ने भी जो है बहुत बड़ी मोटी वहां पे बॉर्डर बनाया हुआ है, और उसका जो बॉर्डर है वो जमीन के ऊपर भी है और जमीन के नीचे भी है, यानी कि कोई तस्करी करके भी उसके बॉर्डर में ना घुस सके फिलिस्तीन का आदमी, इसके लिए पूरी पुख्ता बंदोबस्त जो किए हुए हैं। और इसी तरह से जो आपका पूरा जॉर्डन का इलाका है वहां पर भी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई हुई, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों
तो फिलिस्तीन के ऊपर भरोसा किसी को नहीं है। ऊपर ऊपर से जो लोग हैं वो इनको जरूर जो है एक तरह से हेल्प देने की बात कर रहे हैं, और ईरान एक बहुत बड़ा अगुआ बन करके जो इस्लामिक देशों का लीडरशिप कर रहा है और कह रहा है कि भाई ठीक है हम जाते हैं। तो ये हो सकता है कि जो इस्लामिक मुल्क हैं वो ईरान को बोले कि तुम आगे बढ़ो, ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि ईरान की जो दुश्मनी चल रही है सऊदी अरब और तमाम देशों से कि हम बड़े फन्ने खाएं, तो सऊदी अरब ये भी चाहता है कि भाई अगर तुम लड़ो ठीक है, तुम लड़ो, तुमको जो अमेरिका पिटेगा, तुमको जो इजराइल पिटेगा, तो हम ताली बजाएंगे। यानी कि ये भी सब हो सकता है। तो अभी जो गुंजाइश बन रही है, मुझे लगता है कि ईरान इस युद्ध में जरूर कूदेगा, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर इस युद्ध में वो नहीं कूदता है तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि इस्लामिक मुल्कों में, अरब मुल्कों में उसकी इज्जत जो है वो खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो जरूर युद्ध में कूदेगा, ऐसा पूरी संभावना मुझे लगती है।